हम अपनी चुटिया की कसम खाए के कहते हैं कि हम बहुत शरीफ आदमी हैं। आज की वीडियो में आपको कहानी सुनाएंगे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। लोगों की मोहब्बतें ना बदल सकी तो अपने अरूज के जमाने में फिर एक थप्पड़ ने उनका दिमाग कैसे सीधा कर दिया था। एक वो दौर था जब राजेश खन्ना को बॉलीवुड का सुपरस्टार तस्लीम कर दिया गया था, मगर यही बात उन्हें मगरूर बना गई और वो अकड़ और रोब में रहने लगे थे। किसी इंसान को इंसान नहीं समझते थे, किसी फिल्म डायरेक्टर तो क्या, किसी अदाकार को भी गास नहीं डालते थे। उनकी 10 फिल्में लगातार सुपरहिट हुई थी और ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जो दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, सुनील दत्त, ऋषि कपूर और धर्मेंद्र भी पेश ना कर सके थे। राजेश खन्ना का यह गरूर ही उन्हें खा गया और फिर उनकी फिल्मों ने जब 75 के बाद नाकामियां देखना शुरू की तो उनके अंदर का गरूर फिर भी कायम रहा। हत्ताकि अपनी नाकामियों के दौर में जब लोग उन्हें कास्ट नहीं करते थे, उन्होंने अदाकार महमूद की मिन्नतें की और जनता हवालदार नामी फिल्म में खुद को कास्ट कराया, मगर इस फिल्म में काम मिलने के बाद राजेश खन्ना का मिजाज ही बदल गया। उनका गुरूर फिर भी कायम रहा और उन्होंने अपनी अकड़ और सुपरस्टारी महमूद जैसे सीनियर अदाकार और हदायतकार को तंग करके दिखानी शुरू कर दी। महमूद से ये देखा ना गया और महमूद ने तंग आकर एक दिन थप्पड़ मारकर उनका दिमाग ठिकाने लगा दिया। इस एक थप्पड़ के बाद राजेश खन्ना के साथ क्या गुजरी वो अलग कहानी है जो आगे चलकर मैं आपको सुना रहा हूँ। महमूद ने इस फिल्म में हेमा मालिनी और गीता बाली को भी कास्ट किया था। इस फिल्म को महमूद वक्त पर बनाना चाहते थे, इसलिए सारे प्रोडक्शन यूनिट को एक ही जगह ठहराया गया था ताकि फिल्म को जल्दी से मुकम्मल कर लिया जाए। एक दिन राजेश खन्ना सीन करा के खड़े थे कि उनके पास से महमूद का बेटा गुजरा और उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। राजेश खन्ना को उसकी ये हरकत इंतहाई बुरी लगी। वो तो प्रोटोकॉल में रहने के आदि थे और ये कल का लड़का उन्हें नजरअंदाज करके गुजर गया था, ये वाक्या उनके दिमाग में जा बैठा। उन्होंने इसको अपनी तोहीन समझा और इज्जत नफ्स के साथ मचल गए। वो समझे कि महमूद के बेटे ने जान बूझ कर उनकी तोहीन की है और जिस प्रोटोकॉल के वो हकदार थे उसको ठुकराया गया है। फिल्म का सारा यूनिट फार्म हाउस पर ठहरा हुआ था, मगर अगले दिन से राजेश खन्ना ने मामूल बना लिया कि वो सेट पर जानबूझकर ताखीर से पहुंचने लगे। वो मेकअप देर से कराते या फिर कमरे से बाहर निकलने में देर लगाते। वो ये बावर कराने की कोशिश में लग गए कि फिल्में नाकाम हुई हैं, मगर वो नाकाम तो नहीं हुए और सुपरस्टार होने के लिए सुपरस्टार जैसे नखरे और रवैया ही उन्हें इख्तियार करना पड़ेगा। हदायतकार महमूद सेट पर घंटों उनका इंतजार करते रहते, लेकर राजेश खन्ना उन्हें भी खातर में नहीं ला रहे थे। फिर एक रोज महमूद ने उन्हें समझाना चाहा कि काका आप लेट हो जाते हैं तो मेरा टाइम जाया हो जाता है, सरमाया जाया हो जाता है, आप ऐसा ना करो। काका यानी राजेश खन्ना ने उनकी बात सुनकर उन्हें तसल्ली दी और कहा डोंट वरी। मगर एक रोज महमूद के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। वो कैमरे तैयार करके राजेश खन्ना का इंतजार करने लगे। उस दिन हद ही होगी, हेमा मालिनी भी साथ ही इंतजार में बैठी थी और बार बार महमूद को देखती जाती थी। फिर काफी घंटों बाद जब राजेश खन्ना अपने मखसूस अंदाज में हाथ हलाते और बाल खाते हुए मेकअप करा के सेट पर पहुंचे तो महमूद उनकी अदाएं और बेनियाजी देखकर आग बबूला हो गए। राजेश खन्ना महमूद के गुस्से से अनजान सेट पर पहुंचे और एक सुपरस्टार की तरह स्क्रिप्ट पर सरसरी नजर डाली और कैमरे के सामने जा पहुंचे। उस लम्हा महमूद उनके मुकाबले आन खड़े हुए और एक जोरदार थप्पड़ राजेश खन्ना के मुंह पर दे मारा। चंद सेकंड्स तक ना राजेश खन्ना की समझ में कुछ आया, ना यूनिट वालों और ना ही हेमा मालिनी को समझ लगी कि यह क्या हो गया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार के मुंह पर थप्पड़ दे मारना कोई आम बात न थी। सबको लगा फिल्म तो गई, राजेश खन्ना को जिस कदर जलील कर दिया गया है वो फिल्म छोड़ देंगे और नया हीरो कास्ट करते करते टाइम काफी गुजर जाएगा और वो टाइम जो महमूद ने प्रोड्यूसर को दे रखा था वो गुजर जाएगा तो नया हंगामा होगा, क्योंकि महमूद इस फिल्म पर पिछले 2 साल से काम कर रहे थे मगर सरमाया हाथ नहीं लग रहा था। अब कलील मुद्दत में फिल्म पूरी करके देने का वादा करके वो एक सरमायादार का पैसा फिल्म पर लगाकर फौरी फिल्म मुकम्मल करना चाहते थे, मगर इस वाक्य के बाद तो ऐसा मुमकिन न था। राजेश खन्ना अपने मुंह पर हाथ रख के दंग खड़े थे। इससे पहले कि उनकी समझ बूझ कुछ काम करती, महमूद ने गरजदार आवाज में कहा हो सकता है तुम अपने घर के सुपरस्टार हो काका, मैंने तुम्हें डूबने से बचाया और पैसा दिया है ताकि मेरी फिल्म वक्त पर खत्म हो सके और तुम्हारा करियर तबाह होने से बच जाए, मगर तुम तबाह करने पर तुल गए हो। सुन लो मेरी बात, जब तक काम कर रहे हो अब वक्त पर आना और चलो स्टार्ट करो अपना सीन। ये कहकर महमूद डायरेक्टर की निशिस्त पर जा बैठे। सेट पर तो जैसे मौत जैसी खामोशी तारी हो गई। उधर राजेश खन्ना दम बखुद टिकट की बात कर महमूद को देखे जा रहे थे। वो जानते थे उनके सामने कोई आम डायरेक्टर नहीं बैठा था, बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार कॉमेडी एक्टर महमूद थे जिनको सब झुककर सलाम करते थे और कई हीरो से ज्यादा महमूद मुआवजा लेने वाले एक्टर थे। राजेश खन्ना अपना गाल सहलाते रहे, बेचैन होकर आगे पीछे फिरते रहे और फिर उन्होंने मजबूर होकर अपना सीन शूट कराया और खामोशी से सेट से चले गए। मगर अगले रोज वो हेमा मालिनी से पहले सेट पर मौजूद थे। इस वाक्य के बाद राजेश खन्ना के रवैये में गैर मामूली तब्दीली आ गई थी। फिल्म वक्त पर तैयार होकर सिनेमा घरों में भी लगी, लेकिन राजेश खन्ना को फिर भी कामयाबी न मिली। अलबत्ता महमूद के कड़ाकेदार थप्पड़ ने राजेश खन्ना को यह सबक सिखा दिया था कि वो अब सुपरस्टार नहीं
अगर फिर से उन्हें खुद को बदलना होगा तो सीधा होना होगा। राजेश खन्ना की बीवी डिंपल कबाड़िया ने इस पर कहा था कि महमूद साहब का थप्पड़ अगर काका को जरा कुछ साल पहले पड़ा होता तो अगले 10 साल तक बॉलीवुड के सुपरस्टार रहते। उन्होंने अगली फिल्म अमरदीप में शानदार अदाकारी दिखाई और फिल्म सुपरहिट हो गई और वो इस साल के बेस्ट एक्टर भी करार पाए। इसके बाद 1980 में थोड़ी सी बेवफाई में फिर राजेश खन्ना को कामयाबी मिल गई और उन्हें बेस्ट एक्टर का एजाज मिला था। कहते हैं जिस दिन उन्हें बेस्ट एक्टर का एजाज मिला उन्होंने कहा था, ये अवार्ड मैं महमूद साहब के नाम करता हूं जिन्होंने मुझे चलने का तरीका उस वक्त सिखाया जब मैं नीचे गिर चुका था।